आवाज आ रही है या मेरा वीडियो आ रही है तो कंफर्म करें प्लीज। देखिए आज जैसे कि मेरी पत्नी ने मेरी आवाज जा रही है, कोई कंफर्म करेंगे? मेरी पत्नी ने कल क्या हुआ, कल मैं लगभग रोज मैं सुबह 10 बजे के आसपास ड्यूटी के लिए जाता हूँ और लगभग 6 बजे 7 बजे 8 बजे मैंने एटलीस्ट 7 बजे से 9 बजे के बीच में घर आता हूँ, फिर कभी कभी रात को भी निकलता हूँ, ये एवरेज टाइम है, टाइम है। तो उसके बाद कल 8 बजे आया और मेरी पत्नी की एक मानसिक बीमारी है कि यदि उसको कोई भी कोई बोल दे कि आपके पति को पति इसके साथ था, किसी लड़की के साथ था, इसके साथ उसका चक्कर चल रहा है, पिछले 5 सालों में आरोप लगा रहा है कि मेरा दूसरी लड़की के साथ संबंध है 5 सालों से, क्योंकि फिर भी मेरे साथ रह रहा है और शीशा लेकर कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे 1 हफ्ता पहले कि उन्होंने किसी एक लड़की का फोटो भी फेसबुक में डाल के लिखा था कि इसके बारे में बताइए हमको, मतलब कि उनका कहना था हर जगह कि वो मेरी पत्नी है और उसके बच्चा भी हो चुका है। अब वो अभी पिछले 3-4 दिन में सब नहीं बोल रही है, अब जो लिखना बोल रही है कि हम किसी लड़की से मेरा संबंध है, मतलब हर दिन उसको बदल गया। ये इतना मनमलू हो चुका है और इसका आतंक इस स्तर पर जा चुका है, मैं किसी भी विषय के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा कमेंट इसमें दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैं समझूँ कि आप लोग वीडियो डिलीवर हो रहा कि नहीं। अच्छा, एक मिनट, वीडियो आ रहा है, एक मिनट। वीडियो का आवाज जा रही है ना, खाली एक बार कन्फर्म करिए। बिकी अच्छा इधर अच्छा चलिए मान के चलता है। तो कल की ही बात बताता हूँ, कल हम रात 8 बजे आए और हम फिर लगभग 12 बजे का सब बिकी मेरे साथ, जब मैं यहाँ आता हूँ देखिएगा। हाँ क्या हुआ, एक अच्छा इसको ठीक कीजिए, एक ही तरफ तो उसको बंद कर दिए, अब लाइट ऑन करके उसको खिड़की नहीं बंद कर दी। तो कल रात लगभग 8 बजे के आसपास मैं आता हूँ, 10 बजे मेरे आने के बाद विकी आप ये देख सकते हैं इसको। विकी इधर देखो, इधर विकी, ये पंखा नहीं चल रहा है, ऐसा स्विच कर रखिए जब तक, हाँ देखो जब तक मैं यहाँ रूम में आवास में रहता हूँ ये मेरे से चिपका रहता है और दुनिया की कोई ताकत नहीं है, इसकी माँ हो या कोई भी हो, कि इसको यहाँ से मेरे सामने लेके दिखा दे। अब बात होती है कि रात को सोने का तो बहुत मुश्किल से इसको सुलाने के लिए हमको भेजना पड़ता है, तो बच्चे से क्या प्रेम है इसको मैंने कोर्ट में भी बोला है और हर जगह बोला है, सामाजिक संस्था महिला आयोग जो भी बोला है कि दोनों को बीच में सामने रख दे, यदि बच्चा उसके पास चला गया, वो यदि बच्चा मेरे से ले जाके दिखाने में कामयाब हो गया तो हमको चौराहे पे फांसी कोई भी दे दे, लेकिन बच्चे के बारे में ऐसा बोलता है। आज मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं तंग आ चुका हूँ, तबाह हो चुका हूँ और कल रात को जो आरोप लगा था इस बेसिस पे मैंने आया हूँ। तो कल ये लगभग बिकी 10 बजे सो जाता है, मैं सो नहीं जाता, इसको सुलाने के लिए हम भेज देते हैं, मेरे साथ खाना खाता है रात का खाना, सुबह जाते हैं तो नाश्ता खाना खाता है, रोटी खिलाता है, यदि हम सुबह इसको रोटी नहीं खिलाएं और रात को रोटी और सब्जी नहीं खिलाए तो ये फिर नहीं खाता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यहाँ के सारे स्टाफ इसको कुक रसोईया जो भी खाना वाले सब जानते हैं। तो कल हम लगभग वही 12 बजे, मेरा अदतन हम 12 बजे सो जाते हैं, 12 बजे सोए अचानक उसने ठकठकाना शुरू कर दिया, पता नहीं कोई इसको बोला होगा कि रात को हम किसी से बात करते हैं क्या नहीं करते हैं। और 12 बजे से लेके लगभग सुबह तक, मतलब पूरी होल फुल नाइट ये हमको सोने नहीं दी, जब आए ठकठकाए और मेरे पूरी रात भर का मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग है क्या क्या हुआ है, विकी बात करना, रात भर का मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग डाला इसीलिए ताकि कि मुझे लगता था कि ये कोई ना कोई आतंकित कार्रवाई करेगी,
3:30 बजे तक इसी तरह से उन्होंने करते रहा कि मैंने सोने नहीं दे रहा था। जब भी हम दरवाजा बंद करे तो बाहर से पूरा थकथकाना, गाली गलौज, इतना ऐसे ऐसा गाली गलौज कि मैं उस ऑडियो को सुना नहीं सकता हूँ आपको। विभाग में जिसको जहां जरूरत होगी मैं वहां दूंगा। तो भयंकर गाली गलौज करना। तो मैं जैसे ही खोलता था वो अपने दौड़ के भाग जाते थे अपने रूम में। 3:30 बजे मेरे दरवाजा को बंद कर देती है, जिसका ऑडियो में पुष्टि भी है, मेरे जो मैंने जो ऑडियो बनाया है, मेरे दरवाजा बंद कर देती है और बाहर से वो चिल्लाने लग जाती है कि हमने लड़की लाया। तो हमने फेसबुक करा तो देखा कि वही आसपास में फेसबुक पोस्ट भी की है कि मैंने आवास में लड़की लाया है। और मैं आपको इस रेसिडेंस के बारे में बता दूं, ये रेसिडेंस लगभग 2-2.5 एकड़ में कम से कम फैला होगा, बहुत बड़ा विशाल रेसिडेंस है। और इसका जो आपको बाउंड्री वॉल है, लगभग 10 से 15 फीट का बाउंड्री वॉल है, किला की तरह यहाँ, और तार भी लगा हुआ है, कंचनजंगा तार लगा हुआ है। उसका मेन जो मेन गेट है एक ही है, जिसमें 24 घंटा रात भर हर 2-2 घंटे पे AK-47 लेके लोग वहां पे सुरक्षा गार्ड में खड़ा रहता है। कोई मेरे अनुमति के बिना आ नहीं सकता है, और कौन आएगा जाएगा, मेरे कम से कम 25 स्टाफ पूरे इस बंगला में, मतलब बंगला के बाहर जो आवास है वहां रहते हैं। बिकी रोड रुको। और ये अचानक 3:30 बजे हल्ला करने लग गए कि लड़की है लड़की है, तो हम भी पूरा हमें मुझे दरवाजा बंद कर दिया। अब 3:30 बजे रात को हम किसी सीनियर को किसी को तो फोन नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि ये नया ट्रेंड कैसे हो गया, कुछ दिन पहले तो बता रहा था कि मेरा बच्चा हो गया, ये हो गया, जो भी है। तो इनके द्वारा हमको बदनाम करने का जो एक चरम स्तर का जो एक घटिया तरीका अपनाया कर, इसके लिए ही मैं एक्चुअली वीडियो में आया हूँ, क्योंकि लोगों को जो नहीं जानता है, पहली बार देख रहा है, उनको यही लगेगा कि ऐसा ही शायद सही हो सकता है। मैंने आज लिखित रूप से विभाग के सभी लोगों को दिया है कि इसकी 24 घंटे में जांच किया जाए। अगल बगल खूब सीसीटीवी कैमरा है, आवास में भी सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन इसके तार को ये बार बार काट देती है। आवास में जब भी जहां भी रहा हूँ, सीसीटीवी कैमरा को, पीवीआर को, तार को मेरी वाइफ काट देती है, ताकि कोई एविडेंस ना रहे, वो दिखे नहीं। तो कैमरा कहीं सक्सेसफुल होने नहीं देती है। तो यहाँ भी मेरे आवास में हर जगह कैमरा था, तोड़ दिया शुरू से ही। लेकिन आसपास के बाहर में मेरे गेट के सामने SDM का आवास है, बंगला है, सामने एक हॉस्पिटल है, दोनों ओर से पूरे सीसीटीवी है, 24 घंटा के में पिछले 7 दिन तक तो अवेलेबल रहेगा, कब कहाँ आया, मेरे आवास में कौन घुसा, ये दिख सकता है। तो मैंने सबको लीक करके दिया है, और जो रात भर का मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो भी मेरे मेरे पास है कि कैसे इन्होंने तांडव किया है रात को। तो मैंने विभाग को लिख के दिया है कि इस पर जांच की जाए। तो इनका क्या आदत है मैं बता रहा हूँ, पिछले 6 महीने से यदि इसका लाइव वीडियो आप देखेंगे तो आपको 2-3 बातें स्पष्ट रूप से दिखेंगी। नंबर 1 कि ये वर्तमान सरकार के खिलाफ बोलती है, इस सरकार को गिरते देखना चाहती है, CM के खिलाफ, कई मंत्रियों के खिलाफ भयंकर अभद्र अभद्र टिप्पणी गाली गलौज करती है, वो फेसबुक और सोशल मीडिया, ट्विटर सब जगह आपको मिल जाएगा। हमें किसी भी सरकार से कोई मतलब नहीं है, सरकार चाहे BJP की रहे, JMM की रहे, उससे हमें क्या मतलब है, और पब्लिक किसी की भी आलोचना करे हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम तो कोई भी सरकार के लिए काम करना है, और हर सरकार में काम किए हैं, मेरी तो 6ठा साल नौकरी है, अभी तो 2 साल से ये सरकार है, बाकी 4 साल BJP में काम किए हैं। तो ये सरकार का आलोचना करती है, ये इनका निजी मामला है, ठीक है। नंबर 1 ये इस सरकार के खिलाफ इसको कोई ना कोई भड़का रहा है, रेगुलर बेसिस पे दिखेगा घुमा फिरा के वो सरकार की आलोचना करती है, कोई बात नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। दूसरा, ये हजार लाख में नहीं खाली करोड़ों की बात करती है, सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ की बात करती है कि घूस और यहाँ चलता है। और मैंने फ्रॉम द फर्स्ट डे, मैं जब से नौकरी ज्वाइन किया हूँ तब से कितनी पारदर्शी से काम करता हूँ, फेसबुक में आपको ऐसे सैकड़ों पोस्ट मिल जाएंगे। और आप जिस जगह से जहां से भी हैं, आप चाहे यदि रामगढ़ में कोई होगा तो वहां के लोकल व्यक्ति से आप फोन करके पूछिएगा कि मेरे यहाँ काम करने का किस तरह से पारदर्शी तरीका है, कितना स्पष्ट और 100% भ्रष्ट रहित पूरी तरह से लोगों के न्याय दिलाने का रहा है, आप इसको पता कर सकते हैं। बिकी लग जा। तो इसको क्या है कि मेरे छबील धूमिल करके, एक्चुअली ये मुझे शादी जो की थी रेप की धमकी दे करके फंसा कर शादी की थी, बाद में पता चला कि इन्होंने ऐसे 5 और केस लोगों पे की थी, उत्तर प्रदेश, बिहार में, 2 राज्यों में। उसमें से 3 अधिकारी को हम जानते हैं, जैसे मेरी बात भी हुई है, उसमें से एक SDM रैंक का भी अधिकारी है, और सबको रेप के चार्ज आरोप लगाए 376 का, और सबसे पैसा वसूली किया है। ये उन लोग कहते हैं, क्योंकि ये पैसा वसूली जब होता है तो कोई चेक में वगैरह तो नहीं देता, ये अनऑथराइज होता है, तो इसको कोई प्रूफ भी नहीं कर सकता है, तो इसीलिए हम इसे पढ़ते नहीं। मैंने 5 केस का सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकाल करके मैंने विभाग को भी दिया है, और आगे डाइवर्स का भी केस करेंगे। कुछ दिन पहले, 5 साल पहले मैंने जुडिशियल सेपरेशन का केस किया था, तो उस केस को कोर्ट ने हमको पूछा था कि आप लोग अलग हो जाएंगे, तो एक बारी 1 महीना पहले राजी हो गई थी, कोर्ट बोला कि आप लोग दोनों म्यूचुअली डाइवोर्स ले लीजिए, तो ये जुडिशियल सेपरेशन की क्या जरूरत है। तो
इन्होंने मेरे वकील को और कई वकील को, कम से कम एक दर्जन वकील जानता है, इन्होंने बोला हमको 1.5 करोड़ रुपए चाहिए तब हम छोड़ेंगे। हम बोले हम दोनों कितनी बेच देंगे तब भी संभव नहीं है, बहुत हो गया तो 30, 40, 50 तक सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ और भी कई आईपीएस आईएएस का डाइवोर्स हुआ है, एक दर्जन ऐसा केस हुआ है झारखंड में जिसमें मैक्सिमम 50 लाख तक ही दिया गया है, दिया सका है, और इनका डिमांड है 1.5 करोड़ दो तो छोड़ेंगे, ठीक है, तो वो हम दे नहीं पाए, तो इनको चाहिए करोड़ों पैसा, और वो भी रोज, ऐसा नहीं कि 1 करोड़ रुपये, इसको लगता है कि रोज 5 लाख 10 लाख रुपया चाहिए, मतलब इसके हर वीडियो में हर पोस्ट में एक भी वीडियो आप देख के बताइए कि जहां वो करोड़ों की बात नहीं करती हो, कि करोड़ों कमाता है, ये करता है, वो करता है, हर वीडियो में हर पोस्ट में देखेंगे, एक सरकार की आलोचना, दूसरा करोड़ों की बात, तीसरा क्या है कि ये हमको नीचा दिखाने के लिए वो हर काम करती है जिससे हमको नीचा दिखाया जा सके, किसी पर भी अवैध संबंध का आरोप लगा देना। इससे कुछ दिन पहले मेरी एक सगी बहन से बढ़कर जीत हो, जिसको राखी बांधता था, मेरे फेसबुक में कई पोस्ट है उनके बारे में, पिछले 1 महीने से बोली उसको गायब करके, फिर सोनम कुमारी का किसी को बोलने लग गई पता नहीं, और बोला कि उससे मेरे बच्चा भी हो गया, उसको छोड़ करके अब नया ट्रेंड आ गया कि अब लड़की बुला रहे हैं आवास में, जिसके लिए मैंने आवेदन दिया है कि इसकी जांच हो, और मेरी जो छबील धूमी की है इसके लिए इसको जरूर कार्रवाई हो कि इस तरह से ये क्यों ट्रेंड कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनके जी द्वारा पूरी तरह से मुझे गिरोगे, बिक्की गिरोगे, गिर इधर 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 इधर, हम फिर चल जाएंगे, इधर इधर यहाँ बैठो, यहाँ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ, अच्छा यहाँ बैठो, यहाँ गिर जाओगे ना, अरे गिर जाओगे यार, अच्छा यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, गिर जाओ, गिर जाओ, अच्छा गिर जाओगे ना, गिर जाता ना देखा, हाँ अच्छा चलो लो। तो मेरी छवि को धूमिल करना मेरे माँ पिताजी पर और पूरे फैमिली पर कैसे कैसे किने के प्रांग कर रहे तुम बदमाश, कहीं का चलो गिरोगे इधर, नहीं बदमाश, बदमाशी नहीं, बदमाशी नहीं, हम तो जा रहे हैं, चलो बाय टट्टा। मेरे फैमिली को किस स्तर का भद्दा भद्दा, और भी मेरी माँ को गाली गलौज से लेके तमाम तरीके के क्या किया है आप देख सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि वो सब भी माफ था, मैंने इनके लिए फैमिली को छोड़ दिया था तब भी नहीं माना, लेकिन माँ बाप सबको गाली गलौज करना शुरू कर दिया है। आप इनके एक कॉमन पोस्ट पे आप देखेंगे कि भद्दी भद्दी गाली, अधा असद बसद, जो कभी किसी महिला के द्वारा शायद आपने अपने अगल बगल पड़ोसी महिला या फैमिली में नहीं सुनेंगे, जो जो शब्द आप वीडियो में, कुछ लोग एगो दो जो मेंटल टाइप के लोग हैं या जो भी असभ्य फैमिली के जो जुड़ाव रखते होंगे या नहीं जानते होंगे, क्या होगा तो कैसे होगा, ठीक है, देखिए देखिए देखिए, क्योंकि फिर दिक्कत होगा, फिर ऐसी से नहीं सो पाएंगे, हम ऐसी नहीं चलते हैं। तो उसमें क्या है कि इतनी गाली आप नहीं सुने होंगे अपने घर में, परिवार में, आसपास में किसी महिला को नहीं देखे होंगे। इनका आरोप है कि हम इसको मारपीट करते हैं, है ना, ये 6 साल से आरोप लगा रही है, लेकिन रहती मेरे साथ है। कोर्ट में जो 1.5 करोड़ रुपया ये वाला डील नहीं हुआ, कोर्ट में हमको बेल दिया गया था, वो भी इन्हीं के समझौते के कारण, और इन्हीं के स्वजाति बड़े बड़े 4-5 लोग थे जिनके कारण समझौता हुआ था। अभी भी ये दबाव कर रही है समझौता के लिए, लेकिन इस बार हम डाइवोर्स के लिए लड़ेंगे, बौखलाई हुई है। एक्चुअली इसका क्या प्लान रहता है कि हमको किसी तरह दबाव बना करके, सब कुछ करके, बर्बाद करके, हमको मेरी हत्या करके, मार के इसको नौकरी लेना है, और काफी पैसा भी हमसे कमाना था लेकिन कमा नहीं पाई, क्योंकि यहाँ ईमानदारी से ऑनेस्टली काम हो रहा है और हो गया, इसलिए फंस गई है। इनका क्या है, एक रुको रुको, ये तमाम तरीके से हमको बेइज्जत करके, ठीक है, बदनाम करके, इधर आ जाओ, हमारी छवि को बुरी तरह से धूमिल करना चाहती है। आप पूरे भारत में, पूरे भारत में बता रहा हूं, यदि आप ईमानदारी से बताइए किसी भी महिला को अपने पति के खिलाफ इस तरह से घटिया स्तर से, इतना आक्रामक ढंग से, उसी के साथ रह के इतना करता हो, तो हमको जरूर लिंक इसमें शेयर कीजिएगा कि इतनी हिम्मत किसी भी महिला को अपने पति के खिलाफ, उसी के खाक रही है, उसी घर में रह रही है, सब कुछ करके उसके खिलाफ इतना गाली गलौज करके, इतना आक्रामक करके, और ऊपर से मारपीट का, नहीं इधर 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 मारपीट का आरोप लगाता हो, ऐसा संभव है? लास्ट टाइम कोर्ट में बोला कि हमको मारता है पीटता है, ये झूठ मूठ कर रोने का ऐसा एक्टिंग कर देगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट बोला कि ठीक है मारता था, लोग अलग रही है, बोला कि हमको जान का खतरा है, सुरक्षा मुहैया कराया जाए, तो मैंने कोर्ट में भी बोला है, एसपी महोदय के पास भी बोला है, समाज के कई मान्यगण्य व्यक्ति के सामने, महिला के सामने बोला है कि एक काम कीजिए, इस 2.5 एकड़ के बंगले में, आलिशान बंगले में, खूबसूरती में, सब कुछ, यहाँ स्टाफ से लेके गार्ड 24 घंटा सिक्योरिटी भी है,
रहे हम एक कमरे में जाके किसी सरकारी सर्किट हाउस में एक कमरे में रह लेंगे, यहीं पर रहे, इसको खतरा नहीं होगी, कभी नहीं होगा। लेकिन यकीन मानिए, इससे पहले खूंटी में भी और एक बार रामगढ़ में, फिर मैं 1-4 साल पहले रहा था, तब भी सर्किट हाउस में जाके महिलाओं को लेकर हमला कर चुकी है कि ये लड़की लाता है, मतलब ये हमारे साथ रहना भी नहीं चाहती ठीक से और हमको कहीं रहने भी नहीं देना चाहती है। ये अपने मन से जब कुछ होता है तो कहीं चल जाएगी 2-4-5 दिन के लिए टाइम पास करके, फिर बोलेगी हमको गए लेकिन हमको मना कर दिया, या किसी को धमका दे रहा है, रहने नहीं दे रहा है, मतलब इतनी झूठ बोलती है ये। आप केवल अपने माता पिता, ईश्वर भगवान जो भी आपके हैं, आपके बाल बच्चे, आंख से आंख मिला करके पूछेगा कि क्या आपने किसी भी महिला को इस तरह से, किसी भी पति के खिलाफ इस तरह से सार्वजनिक रूप से, इस तरह से भद्र गाली गलौज, इतना आक्रामकता के साथ इस तरह डील करते हुए देखे हैं? जो देखे हैं तो जरूर बोलिएगा, इसी पोस्ट में कमेंट कीजिएगा, उसको मैं रिप्लाई दूंगा और मैं भी देखूंगा, जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी दूसरी महिला है क्या। यदि हम इसको मारना पीटना शुरू कर देंगे तो क्या ये मेरे साथ रहेगी कमरे में? मतलब मेरे कमरे जस्ट बगल वाला कमरे में हम लोग अलग अलग रहते हैं। देखिए बच्चा भी खेल रहा है ना, विकी विकी, इस बच्चे को ये लाख चाह के भी कई लोगों के सामने से टेस्ट हो चुका है, कोर्ट के सामने भी दिखा चुका है। ये बच्चा को आप मेरे रहते ही नहीं ले जा सकता है, कुछ भी कर लेगा ये, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा छोड़िए, चलिए, अच्छा विकी नहीं जाने दे रहा, छोड़ो छोड़ो, ऐसा नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाने दे रहा। मतलब यहाँ से लगभग 25-30 मीटर के सामने ऊपर में 2 कमरा है जिसमें हम रहते हैं, मतलब मेरे ही साथ रह के, मेरे ही आवास की पे करके, मेरे ही खाना खर्चा सब ले करके, सब कुछ करके, और हम ही को गरियाता है और हम ही से बोलता है, मारपीट होता है। तो भैया हम पूरे बंगला छोड़ देंगे, कमरा में रह लेंगे। आपके भी जो इनके हितेशी 2-4 लोग जो कुछ लोग कमेंट वमेंट करते हैं, जो सुनते हैं, इनको बोलिए ना, इनको कैसे इनको सुरक्षा महसूस होगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। इनको आप समझाइए, आप यदि आना चाहते हैं तो आप पूरी गारंटी के साथ आइए। लगभग विधायक, मंत्री, IAS IPS, आपके क्या बोलते हैं, DSP SP, सब थक चुके हैं इसके करतूत से। आप एक चीज देखे हैं इतने दिनों में, एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, 5-6 सालों में इसके ना तो भाई, इनके ना बुआ, ना इनके फैमिली के, इनके चाचा वाचा कोई किसी को इसमें इन्वॉल्व होते हुए आते हुए देखे हैं, नहीं आता है। इसके आतंक से इसके पूरा फैमिली परेशान है। हमारे पास बहुत सारे ऑडियो है लेकिन हम उसको छिछाले दर नहीं करते हैं। इन उनकी क्या गलती है, उनके कोई भी फैमिली इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। उनका यही कहना है कि उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब फैमिली इसको छोड़ चुका है, हर बार इसको ड्रामा करना है, नया नया लोग इसको साथ देता है, एक बार जो पुराना देता था उसको छोड़ देता है। आप देख लीजिए पिछले 6 महीना में इसके जो साथ घूमने वाले, रहने वाले, साथ देने वाले अलग अलग लोग होते हैं, आप देख लीजिए। आज ये थाना में जाके के वहां पूरा गुंडागर्दी की है कि हमको एफआईआर कीजिए, जबकि सेम 498 के एफआईआर बगल वाले थाने में एक ऑलरेडी दर्ज है और वो अभी पेंडिंग है। इसी ने कहा था पिछला एसपी को कि मुझे यहाँ के पुलिस सिस्टम पर भरोसा नहीं है, इसकी जांच CID से कराया जाए, लिख दिया। तो उसके बिहाफ पर एसपी ने लिख दिया CID को, अब जांच CID के अंतर्गत, मतलब CID समझ रहे हैं ना, CBI CID जो अलग अलग होता है, इंडिपेंडेंट संस्था होता है। तो पुराना केस को यदि मान लेते हैं कि हमने कल मारा है सपोज, तो उसको लिख करके फिर पुराना केस में एड करे कि भाई इस तरीके को मारा है हमको, तो फिर जांच होगा उस पर होगा। आज तक एक व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए बार बार केस थोड़ी ना होता है, या बार बार सजा थोड़ी ना होती है। 498 का केस एक व्यक्ति पर आप हर 3 महीना में कीजिए, कैसे थोड़ी होता है? तो आप साथ में क्यों है, आप साथ में क्यों है? देखिए इन्हीं आवाज सुन रहे होंगे ना, यही मेरी वाइफ होगी, मतलब आक्रामकता देखिए, आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये मेरे रहते इतना लाइव वीडियो बनाती है, गाली गलौज करती है, कुछ करते हैं, मेरा कभी इंटरवेंशन देखे है, मतलब कभी मैंने मुझे देखे हैं डिस्टर्ब करते हुए? नहीं देखे होंगे आज तक। मेरी सहनशीलता को यदि आप समझते होंगे ना, ईश्वर करे, भगवान करे, यही आपसे मैं दुआ मांगूंगा कि यदि आपको लगता है कि वो लड़की सही है, तो हे ईश्वर, हे प्रभु, हे भगवान, जो भी है, आपके घर में आपकी बेटी बहन इसी इसी लड़की की तरह पैदा हो, या यही लड़की हो, तब आपको समझ में आएगी ये क्या चीज है। ये इतनी आक्रामक है कि हमको चढ़ जाती है, दौड़ाती है, उकसाती है, ताकि हम मारे और ये किसी तरह से उसका फायदा उठाए। अभी क्या है कि हम बता रहे हैं पिछले 5 साल में 10 लगभग केस हम पर केस कर चुकी है, घर में की जो भी की है वो तो अनुसंधान का विषय है। अभी 3 महीना पहले केस की है, गिर जाओगे, फिर अभी 1-2 दिन में केस करना चाह रही है। इनका खाली थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, FIR ब्लैकमेल ही खाली है, इनको किसी चीज भरोसा नहीं है। आपको मैं बता दूं, मैं अपने सोगन खा के कहता हूँ माता पिता की, गिर जाओ बेटी, इधर आओ ना, गिर जाओ, लो इधर आओ, इधर आओ, इधर चल जाओ। इनसे जो भी आपका कोई सक्षम व्यक्ति होगा, या जो लगता है कि आपकी बात पर विश्वास कर सकता है, लेकिन आपको पूरा एकदम पूरा भरोसे के साथ आना होगा
क्योंकि हर बार इसके व्यक्ति बदल जाते हैं। जैसे ही आप बायलेंस की बात कीजिएगा, सही और सच की बात कीजिएगा, वो आपको गाली गलौज करते हुए इतना करेगी ना कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप जीवन भर इसका शक्ल नहीं देखना चाहेंगे। ऐसी हर बार नया नया इसका आदमी आते जाते रहता है, हर बार के झगड़े में नए लोग आते हैं फिर वो जाता है, या हर बार आते रहता है। आप इसको बोलिए, ये बार बार जब बोलती है कि ये करो ये करो, हमको जेल जाना है, नौकरी छोड़ना है, या जान देना है, क्या करना है बोलिए, हमको कर देंगे इसके लिए। हम सब जी तेरा नौकरी भी छोड़ देंगे यदि इससे मुझे शांति और इससे मुझे अलग होने का मौका मिल जाए। और ये हम करेंगे, हम अपनी सौगंध खा के सोशल मीडिया में सबके सामने बोल रहे हैं कि दुनिया का कोई भी कुछ भी कानून होगा, लेकिन इसके साथ जीवन भर रहने के लिए मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता। ये अपनी मैं सौगंध खा के कहता हूँ, सौगंध खा के कहता हूँ, इनके अत्याचार का जो घड़ा है इस स्तर की चरम स्तर का हाइट को छू चुका है, जिसको दुनिया के किसी भी इतिहास में, किसी भी समाज में, किसी भी देश के किसी भी कोने में, किसी महिला के द्वारा किसी पुरुष के साथ नहीं किया गया। हम ये वीडियो इसीलिए बोल रहे हैं कि कल इस तरह का वीडियो बनाया तो आप लोग को लगे कि लड़के हम ऐसा करते हैं, मेरी छवि ऐसी खराब है। हम बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं और ना हम इसके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन रिएक्ट वही किया कि कल बोला कि लड़की लाया है, उस पूरे वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा। आपको जिसको भी लगता है उस व्यक्ति तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, ताकि उसको भी एक बार लगे कि सच्चाई क्या है। हम नौकरी भी छोड़ने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, सब कुछ तैयार करने के लिए तैयार है, लेकिन ये तो हमसे अलग होगी ना, नहीं क्या चाहती है हमसे? आप बताइए कि आखिर ये चाहती क्या है? मेरा जान लेना चाहती तो भी हम दे देंगे, लेकिन ये अपना रहे, अपना अलग रहे, शांति से रहे। इनको ना रहना है शांति से, ना किसी को शांति से रहने देना है। मैं आपको बता रहा हूं, ये इतना हिंसात्मक है, इतना वायलेशन करती है। मैं फिर कहता हूँ, फिर चुनौती देता हूँ, पूरे सोसाइटी में, पूरे देश भर में क्या ऐसा आप महिला देखे हैं तो हमको लिंक भेजिएगा, बोलिएगा कोई ऐसा है तो कहीं पे भी बताइए। इतनी आक्रामक गाली गलौज इस तरह से सब किसी घर की औरत या बेटी बहू करती है आपके घर में? और कोई पति इतना सहनशील होता है कि इतना के बाद ही नहीं बोलता है? भ्रष्टाचार क्या कौन नहीं कर रहा है? पत्रकार बंधु है रामगढ़, इसको कोई साथ नहीं देता, इसीलिए बौखला जाती है। किसी विधायक का नाम, किसी का भी नाम, किसी के भी नाम लेके कुछ भी बोल दे कि हमने ये बोला वो बोला, मतलब ये कोई भी बात प्लांट करके कुछ भी बोल सकती है, किसी को भी कुछ बोल सकता है। अभी हम कोई फोन आ जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, हम किसी घटना पे चले जाए और कोई एक व्यक्ति बोल दे कि आपका पति कभी लड़की के साथ देखे हैं, तो उसको वो सच मान करके वो तांडव करना शुरू कर देंगे फेसबुक लाइव। आपको देखना तो करके देख लीजिए, क्योंकि हम तो 6 साल से 6,000 बार देख चुके हैं, तो 6,000 एक बार और हम देख लेंगे, आप लोग कर सकते हैं। ये ऐसे साइकोलॉजिक बीमारी से ग्रसित है, ये कई लोगों को मार के मरना चाहती है। इनको इतना दिक्कत है हमसे, मेरे से, मेरे जान से खतरा है, हर चीज बोलता है। मान लीजिए कल दिन ब्रेन हेमरेज होके मर गई, कुछ गिर के मर गई, सुसाइड हो गई, हार्ट अटैक होके मर गई, तो हम पार्टी में चढ़ जाएंगे। हम कह रहे हैं या तो तुम रहो या हम रहेंगे, कहीं भी रहो, लेकिन साथ ही तुम्हें तुम्हें को दिक्कत है ना, आखिर जान से खतरा है, सब कुछ लिख के देते हैं, बॉडी गार्ड ठीक है, पूरा आवास में तुम रहो, हम एक रकम रह लेंगे, लेकिन नहीं रहती है। मतलब इनको रहना भी है, हमको गरियाना भी है, मतलब कुल मिला के इनको जो इसके पूरे विषय में यदि कोर पॉइंट है, इसको पैसा चाहिए, और 1-2 करोड़ नहीं 2 लाख करोड़ रुपया चाहिए, जो कि संभव तो है नहीं। जबरदस्त लूट और क्रेज इसका, इतना 2 लाख करोड़ का पैसा का हवस है ना, ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, सैलरी से इसको पूरा नहीं हो रहा है। इनके अकाउंट को आप बोलिए कि आप लोग को ये 24 महीना का स्टेटमेंट दे, हम तभी कोर्ट में दे दिए हैं, मेरा सारा अकाउंट कितना पैसा सब पता चल गया, इसको पूछिए इसके कितना पैसा होगा, कितना यहाँ वहां से क्या की है, सब पता चल जाएगा। नौकरी में ज्वाइन करने के कुछ समय के बाद से इन्होंने फेसबुक से हमको दोस्ती किया, और उसके बाद ब्लैकमेल करके रेप की धमकी देके हमसे शादी किया, और ये कहती है कि हम इसको पढ़ाए हैं, गरीबी ये किए वो किए। अरे भैया चलो, तुमसे शादी ही मेरा हुआ है, तुम्हारे पास इतनी तुम ब्लैकमेल करती हो, ऑडियो फोटो कहाँ कहाँ कब की क्या रखे रहते हो फंसाने के लिए, तुम्हारे शादी से संबंधित हमारे एक भी फोटो नहीं होना चाहिए, फोटो कहाँ है बताओ, कोर्ट मैरिज होना होना कुछ है? ये कोर्ट मैरिज भी दबंगई और मैंने रेप का ध्वस दिखा करके बनारस में करवाई थी, इतना मजबूर कर दिया था हमको, सोचे कि रेप किस कर दिया झूठा, चलो माँ बाप नहीं, हमको क्या पता था कि इतनी क्रूर और इतना आक्रामक और इतना मैंने क्रिमिनल माइंड की लड़की होगी, हमको तो उसमें नहीं पता था कि इसके 5-5 को इससे लोग फंसा के केस कर चुकी है, दिल्ली में कई सेक्स रैकेट कई गैंग का एक मेंबर है, जो हमको सुने हैं कुछ ऑफिसर ने बताया जिन पर केस किया था, उन लोग गवाही भी देगा। अब इनको लगता है कि हम डाइवोर्स केस करेंगे तो ये बुरी तरह से फंस जाएगी, चूंकि इन्होंने जो क्रुएल्टी और जो आतंकित हमको किया है, तो उसी लिए हमको ये छवि खराब करने के लिए परेशान कर रही है। आपसे मेरा विनम्र आग्रह होगा कि यदि आपको ऐसा कुछ लगता है, इसमें क्या है,
खैर को भी है। तो कहने का मतलब है कि ये पूरी तरह से मुझे शादी नहीं की थी उनसे, उनको इरादा शादी करे घर बसाना नहीं था, इसको पैसा चाहिए था तो नहीं मिला और नहीं मिलेगा किसी कीमत पर। और हम डाइवोर्स के लिए भी जाएंगे निश्चित रूप से, क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन का कोर्ट ने कहा कि जब आपको आप डाइवोर्स ही चाहिए तो सेपरेशन का क्या मतलब है? सेपरेशन का मतलब है कि आप लोग अलग रहिए, फिर अच्छा लगेगा तब रहिएगा, तो आपको डाइवोर्स चाहिए तो इस केस को हम रिजेक्ट करते हैं। तो वो चुमानी नहीं, 1.5 करोड़ मांगी, हम 50 लाख तो देने के लिए तैयार था। ये कोर्ट के सामने में बता रहा हूँ, ये कोर्ट के, हम कोर्ट के बारे में बोल, यदि कोर्ट का नाम लेकर झूठ बोलेंगे तो हम पर भी कल कार्रवाई हो जाएगा। चाहे आप रामगढ़ कोर्ट में जाके बोलिएगा कि डीएसपी की ये वीडियो देखिए, कोर्ट के बारे में ये टिप्पणी किया है। हम कोई भी चीज फैक्ट के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं। इन्होंने 1.5 मांगा, हम 50 दिए तो नहीं हुआ, तो उस बेसिस पे ये आज अलग अलग तरीके से हमको टचर कर रही है, मानसिक से प्रताड़ित कर रही है। इनसे कुछ भी हो, अब देख रहे हैं एक बच्चा यहाँ पे है कि इतना खेल रहा है मेरे साथ। विक्की इधर आओ, विक्की इधर आओ, बैठे हो, यहाँ बैठे, यहाँ यहाँ। इस बच्चे को आ बैठा, ठीक है बैठो। इस बच्चे को आराम से, आराम से। इस बच्चे को हम प्रताड़ित करते होंगे, जब तक हम रहते हैं, जब तक घर में रहेंगे, जब तक भी करेंगे, किसी की औकात नहीं है। और मेरी एक खुली चुनौती है कि जिस मंच पे जहां पर इस बच्चे को ले जाइए और इसकी माँ भी मेरे सामने से लेके दिखा दे, तो हम आप हमको 1,000 जूता उस चौराहे पे मारेंगे। ये बच्चा उसके पास फिर नहीं जाएगा, बड़ी मुश्किल से मेरे पास। रुको रुको, क्या कर दिया? तो इनका ये बच्चे से प्यार नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मैं बच्चा के लिए क्या क्या किया हूँ कोई बताऊंगा तो ईश्वर जानता है। तो 20 साल 22 साल बाद जब ये होगा तब पता चलेगा इसके लिए क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। वो तो है, मेरा बच्चा है तो हमेशा रहेगा, लेकिन इसके लिए हम पूरे जान को दबा। चूंकि देखिए, ये बच्चा को ना खाना खिलाती है ना कुछ करती है, उसके लिए 2 स्टाफ ऑलरेडी किचन में रखा रहता है। खाना कब कौन क्या खिलाता है कुक जानता है, वो तो दबा में बोलेगा नहीं। और हम कोई फोटो, हाँ विकी रुको, ये बच्चा के बारे में ब्लैकमेल करती है, पूरी तरह से ब्लैकमेल करती है बच्चा के बारे में कि हम बच्चा से ये नहीं करते, वो नहीं करती, जो भी है। तो किसी ने भी कमेंट किया था कि सोशल इंजीनियरिंग का, अरे भाई मेरे 6 साल से एक चीज को झेल रहे हैं, क्या आप सोशल इंजीनियरिंग रहेगा बताओ? मतलब 1,000 बार सोशल इंजीनियरिंग हो करके प्रयास हो चुका है, यही समझौता करते फिर बाद में हम पूरा आरोप लगाते कि हमको माफी कर दी, ये कर दी। और तुम क्या, अब क्या चाहते हो सोशल मीडिया? हम मरे या वो मर जाए यही चाहते हो? वो हार्ट अटैक होकर मर जाएगी, हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, हम कुछ मर जाएंगे तो सब कुछ नहीं, ये निश्चित है। लड़का मरता है तो कुछ नहीं होता, हम इसी विभाग में काम करते हैं। तो इनका फिलहाल हम पर 2 केस किया हुआ है ऑलरेडी, तो उस केस का बढ़िया से अनुसंधान करें ना, सीबीआई को लिखे, आप लोग डिमांड कीजिए कि सीबीआई से जांच करा के हमको फांसी पे चढ़ा दे जिन्हें हम गलत किए। जब कोई घटना हुआ ही नहीं है और हमको केस किया है तो लोग क्या करेगा इस पर? पिछले 6 सालों में 600 कम से कम आवेदन और इस तरह एफआईआर करने के लिए दे चुकी है। इनका पुराना पुराना इतिहास भी है लोगों को फंसाने का, और वो अधिकारी जो फंसाया है वो लोग कोर्ट में आके गवाही देगा। मेरे डाइवोर्स में उनका एज ए विटनेस में नाम दे रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, इनके हवस में नहीं आइएगा, इनको जानने के पहले इस वीडियो को उस व्यक्ति को जरूर आप शेयर कर दीजिए, वीडियो रहेगा और लंबे समय तक हम रखेंगे इसको। इन्होंने जो इसका मानसिक प्रताड़ना करने का जो तरीका है, ये रात भर कर सोने नहीं दिया है और ये सोने नहीं देगा, रात को इतना हल्ला करेगा ये करेगा। हम इसको मारते तो बस इतना ही जानते हैं कि ये मेरे साथ इतना तो भय होता, मारने का डर तो इसको होता कि यहाँ नहीं रह पाती है। पिछली बार बोल दिया मेरा आंख चला गया, कान चला गया, कहाँ है वो चश्मा, आप देखे हैं उसके बाद से कभी कोई चश्मा? पिछला केस में जब मेडिकल के लिए इनको रिफर किया गया रिम्स, जब यहाँ बोला कि मेरा आंख खराब हो गया टूट रहा है, तो बोला रिम्स रिफर कर दिया, झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है। आज तक इन्होंने रिम्स में वो दिखाया नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट नहीं सौंपी है। पूछिए इनको जी, मैं बोल रहा हूँ इस रिपोर्ट, आज तक रिम्स ही नहीं गई हो, क्यों? कि वहां जाने से दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। मैंने एसपीआर कई लोगों को बोला कि देखिए आंख का सबसे बढ़िया डॉक्टर यहाँ पे मेडिका है, तो वहां पे लेके दिखाते तो नहीं गई, क्योंकि झूठ है तो झूठ नहीं करना है। और आज तक ना मेडिकल रिम्स गई ना कहीं गई, 2 चश्मा खरीदी थी 7,000 में, वो दोनों चश्मा भी आज तक गायब है, कब देखे आप? हो सकता है इस वीडियो के बाद आप लगा ले, लेकिन इतना दिन में तो आप इतना वीडियो में तो नहीं है देखे होंगे ना। तो इनके बातों पे विश्वास करने से पहले एक बार जरूर सोचिए कि इतनी आक्रामक महिला किसी घर के लिए, किसी समाज के लिए, किसी परिवार के लिए ठीक नहीं होती है। इनके सुधरने के 6 साल से मैं देख रहा हूँ, 6 साल में नहीं सुधरी है। अब हमको कोई उम्मीद नहीं है, अब मेरी कुछ भी हो जाए इसके साथ हम डाइवोर्स ही केस लड़ेंगे, अब कोई ये नहीं। लेकिन ये बच्चा मेरे लिए जीवन भर रहेगा, ये बच्चा ही बड़ा होगा तो इसको निर्णय लेने का अधिकार होगा, फिर कोर्ट जो तय करेगा वो होगा। देख रहे, ये बच्चे को लगता है कि मैंने किसी ऐसे ही करता होगा, और किसी दुनिया की किसी ताकत है कोई मेरे साथ लेके दिखा देगा, पूछिएगा उन्हीं से इस बात को। और नहीं तो 100 आदमी 500 आदमी आइएगा रामगढ़ में और बच्चा को लेके आया जाएगा, उसके सामने दृश्य देखना तो देख सकते हैं किसके पास रहता है किसके पास जाता है। ये बच्चा किसी के पास नहीं जाता है,
और ये बच्चा को जबरन किसी कोई चीज खिला देने से ये प्रेम नहीं होता है, ये बच्चा जो खेलता है ना साथ में, क्योंकि ये जबरन नहीं होता है। हाँ हो गया, बताओ। जबरन नहीं होता, अरे रुको, जबरन नहीं होता ये फिर, रुको रुको, इसमें तो लग जाएगा ना, देखो तुम्हारा लग गया, लग जाता है ना विकी, तो काइंडली इसको जरूर एक, जो भी कोई उलझ जुलझ कमेंट पोस्ट करता है उनको कम से कम सहानुभूति के लिए वीडियो दिखा दीजिएगा, ताकि कुछ तो जाने, है ना। खैर जो भी हो, अब इस पर मुझे नहीं जाना है, अब आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको एक बार, मैं पहली बार वीडियो बनाया हूँ लाइव में इसमें, क्योंकि कल जो आरोप लगाया वो बेहद ही खराब और घटिया है और निचले स्तर का आरोप है। चलिए, धन्यवाद।